और ये रख दे। ये देखो व्यूअर्स, वाह वाह टीचर ये मजे की आई है। एक बंदा चाह तो भजदा वे तोडे किडो दुहा किडो मादे बेंटी के एक तलोरी नी चंगा बाहरी जो आई वल का करवा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप भी ठीक होंगे, हम भी ठीक है। जो मेरे बहन भाई दुख व तकलीफ में हैं, अल्लाह ताला उनकी दुख व तकलीफ को जो है दूर करे, अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। जो बाहर हैं उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। बस माशाल्लाह से आज जाकर कहीं मौसम जो है ठंडा हुआ। 3 दिन पूरे धूप इतनी थी और लूरी जो है इतनी थी कि बाहर निकला भी नहीं जाता था। तो अभी मौसम भी ठंडा हो गया है और बादल बने हुए हैं चारों तरफ से। तो हम जो कहते हैं कि अभी बारिश आए और मिट्टी जो है बहुत उड़कर अंदर आती है, बहुत ज़्यादा। जब हवा तेज चले ना, तत्ती सी हवा होती है और मिट्टी बहुत ज़्यादा अंदर आती है। इसलिए अभी मौसम ठंडा हुआ है तो आज जाकर कहीं फैनल किया है कि अभी तंदूर के बगैर गुजारा नहीं होता, क्योंकि रोटी जो है अभी तवे की जो है बिल्कुल बच्चे नहीं खाते। कहते हैं हमें दोपहर को गर्मी होती है। मियाँ साहब ने बोला है कि तंदूर जो है हम सेंटर पर लगाएंगे, क्योंकि अभी तो इधर जो है उधर चूल्हा बनाए ना वहाँ खिड़की आ जाएगी, इधर बनाए इधर जो है वॉशरूम है। इसलिए मियाँ बीबी ने डिसाइड किया है कि तंदूर इस जगह पर लगाएंगे और चूल्हा जो है इस जगह पर बना लेंगे। किचन बन जाएगा और सेंटर में जो है चारपाई भी आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे विवाद, तो क्या थे अभी करके खैर करिए। तो मैं ना सुबह से इस रेड़ी के बाहर खड़े सीना ऊपर लगा कर अब मुझे भी उतारनी पड़ेगी, लगाई मैंने अब उतारूंगी भी मैं। दूरगी को जो है बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, जल्दी जल्दी से इसको बना देंगे। और सुबह जो है इसको वो कहते हैं मिट्टी लगा कर ना, और इसको घास वाला बूटा जो है अंदर से लगा कर, और इसमें कल शाम को आग जला लेंगे। एक दिन पूरे ये आग जलती रहेगी, इसमें हम रोटियां नहीं लगाएंगे। तो बस ये ना तंदूरी का जहाँ से धुआं निकलेगा ना वो जगह हम बना रहे हैं, बनेगी तो गारे के साथ। अभी हम ऐसे लगा रहे हैं क्योंकि इसको ना सुबह बनाएंगे। इतना बड़ा कर देंगे बरकत बड़ा
ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਭਰ। तो बस माशाल्लाह से हमारा तंदूर जो है इतना बन चुका है, तो इसकी जो है लिपाई कल होगी। बाकी तो एक मेरे लिए ना स्पेशल गिफ्ट आया है, हमारी अपनी फैमिली ने भेजा है मेरे लिए, तो बहुत ही खूबसूरत है। मैंने कहा वो आप विवाद को शेयर कर लो, तो आप भी चल कर ना वो आपको गिफ्ट दिखाती हूँ। जब से हमने चैनल शुरू किया है ना, ऐसा गिफ्ट ना पहली बार देखा है, तो आपको भी मजा आएगा देखने में। अभी से ओपन करते हैं। बस आप भी देखेंगे ना, आप भी हैरान रह जाएंगे। ये वाला बड़ा छापा है, ये बहुत खूबसूरत है, ये हाथों से बनाया गया है, देखें हाथों की कढ़ाई से। तो ये मिठाई वाला थाल है, वाओ ये कितना प्यारा है, देखें बहुत ही प्यारा है। और ये रख दे, ये ना गिलास भी हाथों से बनाया गया है, और इसकी प्लेट जो है वो भी हाथों से बनाई गई है। इसका ये ना फ्रूट सेट है, ये भी हाथों से बनाया गया है, इसका ढकना भी होगा ये। और मिठाई वाला थाल है, बड़ा वाला है। तो बस ये ना पुराने जमाने में जब मेकअप औरतें डालती थी ना, ये वाली टोकरी है मेकअप वाली, इस पे भी ढकना आ गया, और इस पे डाल लो। ये देखो उस छोटी टोकरी की नाम भी है ये। ये बड़े वाली टोकरी और साफा वाली ये। तो ये ना उसका बड़ा साइज है, ये भी हाथों से तैयार किया गया है, इसमें ना थोड़ा मेकअप ना डालो, ढेर डाल लो। ये क्या है, ये हाथों के बनाए हुए हार्ड पार्ट है रोटियां वाला। ये ना रुमाल रख के ना और अंदर रोटियां लगा दो तो सारा दिन गर्म पड़ी रहेगी, ऐसे ढकना दे दो ऊपर। जिसने भी बनाया है ना उसने बहुत मेहनत की है। ये देखो पूरा सेट है, पूरा सेट है, ये दो स्पेशल सबसे खूबसूरत है ये। और किनारी वाली, ये गोल कटाई वाली है, बीच में गोल नहीं है, ये तार वाली है और किनारी लगी है, इसमें कोई खमड़ा नहीं लगा हुआ, देखे ये तार से लिपटी हुई है। ये देखो ये और किनारी, ये और किनारी की है, ये पीली वाली किनारी है, और ये ना हल्की क्रीम कलर वाली है, ये तेज है, ये ना तार से बनाई गई है, ये देखे कोई इसमें ये ज्यादा खूबसूरत है, छोटी छोटी सी है ये वाली ज्यादा खूबसूरत है। ये हर एक चीज ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी बनाई गई है हाथों से। ये दुनिया का ओल्ड जा रहा है, क्योंकि ये ना आप सबने कमेंट करके बताना जरूर है, ये क्या आप सबको कैसी लगी है। तो मुझे तो बहुत प्यारे लगे, हर एक अल्लाह पाक उनको खुशियां दे, अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे। तो अभी इसका जोड़ कर रखते हैं वापस उसी शॉप पर। वे आज के ज़माने में बनाने जाए ना, पहले तो बना कर नहीं देंगे, तो बना कर देंगे तो बहुत ही महंगी देंगे, क्योंकि इनको ना 2-3 माह लगते हैं बनाने में, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। ये अभी मैं ले जाऊंगी आपको, तो नहीं देने वाली, इस पे मैं अपना मेकअप का सामान रखूंगी। चलो सही है, तोड़ दिया अभी, ठीक है तो ना? अभी इसको वापस शॉपर में रखो, इसे मैं नहीं रखने वाली। नहीं नहीं अपनी पड़ी है, पड़ी रहे वो। अभी इसको ना इस तरह से बना, इसका डिजाइन देखो उसकी, इस वो तरह से बना लो, डिजाइन बहुत अच्छा किया इस तरह से, इस तरह से। चलो अभी रख दो।